अयोध्या में कोरोना वायरस को लेकर डीजी हेल्थ अयोध्या दौरे पर, जनपद के सभी चिकित्सालय पर कोरोना वायरस को लेकर डीजी हेल्थ रुक के दौरे पर निकले। इसी कड़ी में जनपद के जिला चिकित्सालय पहुंचकर कोरोना वायरस को लेकर निरीक्षण करने पर सब कुछ ठीक मिला और उन्होंने हिदायत दी कि कोरोना वायरस को लेकर वार्ड स्थायी रूप से बनाए गए। यहाँ के मरीज बहुत ही सेफ्टी में रहेंगे व कोरोना से बचाव की भी आवश्यकता है। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से सतर्क नजर आया तो वही व्यवस्थित करने की बात कही, साथ ही कोरोना वायरस से बचने के लिए एक रूम अतिरिक्त सुरक्षित करने के भी निर्देश दिए। सभी डॉक्टर्स, नर्स, वार्ड बॉय व पूरी मुस्तैदी से रोगियों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसा उनके द्वारा कहा गया। फिलहाल जिला चिकित्सालय में भारी कमियां भी नजर आई। इसी कड़ी में रेडियोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड की भी भारी कमी देखने को मिली। उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्द इस पर कार्य किया जाएगा और मरीजों को उचित लाभ भी मिल सकेगा। एक्चुअली जैसा आप लोग सभी अवगत हैं कि इस समय कोरोना वायरस की संक्रमण की बात पूरे प्रदेश में चल रही है और इसमें हम अपनी यहाँ हर जगह पे जो जनपदों में जो तैयारियाँ हैं उन्हीं के निरीक्षण के सिलसिले में आया था। तो यहाँ पे भी मैं देखा कि यहाँ पे भी आइसोलेशन वार्ड एक जो हमारा निर्देश है उसके अनुसार यहाँ कंप्लीट है और ठीक ठाक है। हालांकि अभी यहाँ पे जनपद के लिए कोई केस नोटिफाइड नहीं हुआ है तो तैयारी ठीक है और बाकी हर चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं, दवाओं की भी कोई कमी नहीं है, सब ठीक है। कोरोना वायरस को लेकर के देखिए, कोरोना वायरस जैसे आप जान रहे हैं कि ये दिसंबर 2019 के लास्ट से करीब चाइना से स्टार्ट हुई बीमारी है और अभी तक करीब 88 देशों को प्रभावित कर चुकी है। और जैसा सभी वायरल डिजीज होती है, विषाणु जनित रोग है, उसी तरह से भी एक विषाणु जनित रोग है और कोरोना ग्रुप के सार्स एंड मार्स टाइप के वायरसेस का संक्रमण पहले भी नोटिस में आ चुका है। तो ये जैसा कि हर बीमारी होती है वेक्टर विषाणु जनित, उसी तरह से ये भी एक वायरल डिजीज है और मैक्सिमम इसमें सेल्फ लिमिटिंग होती है, स्वयं खुद ही ठीक हो जाते हैं। 80% तो अननोटिस चले जाते हैं, 20% मार्ट ड्यू टू सीवियर डिजीज हो सकती है और उनमें ज़्यादा होती है जैसे एल्डरली COPD के पेशेंट हैं या सांस के तना के मरीज हैं, उनमें बीमारी ज़्यादा अफेक्ट करती है और मॉर्टेलिटी भी बहुत ही कम है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अभी तक हमने अपने यहाँ इंडो नेपाल बॉर्डर पे जितने की विलेजेज हैं उनमें तमाम हमने मीटिंग भी करा रखी, सैनिटाइजेशन करा रखा है, जितने हमारे एयरपोर्ट्स हैं उन सब पे भी हमारी एम्बुलेंसेज और टीमें हमारी लगी हुई हैं, सब जगह से आइसोलेशन के लिए स्क्रीनिंग करी जा रही है और यहाँ पे कहीं कहीं पे हमने थर्मल स्कैनर भी लगा रखे हैं जैसे आगरा में और आगरा, लखनऊ और बनारस में, और अभी दो थर्मल स्कैनर और परचेज करने की बात चल रही है। तो इससे कोई घबराने वाली बात इसलिए नहीं है कि वायरल डिजीज है और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, इसका एयरबॉर्न इन्फेक्शन नहीं है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। अभी आपने निरीक्षण किया है अस्पताल में जो कोरोना वार्ड बना है अंदर, तो उसको शिफ्टिंग की बात कहीं कही जा रही है कि आप कहीं उसको? हाँ, हम चाहते हैं कि बना तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन ये कि हम चाहते हैं कि उसको एक सेपरेट जहाँ से अप्रोच हो उसको कर दिया जाए, जहाँ पे लोगों की और लोगों की अप्रोच आना जाना कम हो। तो वो हम मैंने रिसर्च किया है यहाँ के CMS को, अपना वो देखेंगे कि कहीं और के सभी हमारे 18,000 के हमारे कैडर में करीब 12-13,000 ही डॉक्टर हैं और बहुत से हमारे पद अभी वेकेंट हैं, बहुत से हमारी नई फैसिलिटीज बन रही हैं जिन पे अभी हमारे पदों का सृजन नहीं हो पाया है। अभी हालांकि अभी एक अध्याचन गया था जिसमें करीब 1870 नए डॉक्टरों की भर्ती हुई है, हमको लिस्ट प्राप्त हो गई और उसका को भी कुछ मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा, जिन लोगों ने अभी अब की बार तो सब काउंसलिंग के माध्यम से हुआ, जो जिन डॉक्टरों ने जहाँ के लिए चाहा है वहीं पे हमने काउंसलिंग के जरिए उनको पोस्ट करने की बात की गई है, जिससे जो आएँ उनकी अपनी मर्जी पर आएँ और जहाँ पे जाना उनको वहाँ पे जाएँ और वहाँ पे रहें और सेवाएँ दें। और पहले CMO भेज देते थे तो अंडर CMO से कहीं भेजा जाता, जो उनको नहीं पसंद आता था तो छोड़ के चले जाते थे या बहुतों के जनपद छोड़ जाते थे, जहाँ चाहते थे वहाँ नहीं जा पाते थे तो वो नहीं ज्वाइन करते थे। तो जैसे हमारी कमियाँ बहुत रही हैं, डॉक्टरों की कमी बहुत ज़्यादा रही है हमारे प्रदेश जी सर, यहाँ पे ठीक है वो मेरे नॉलेज में करीब 32 हालांकि इसमें राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल अब निकल गया, लेकिन 31
चिकित्सालय में अभी भी प्रणाली काम कर रही है, लेकिन कुछ शुरू किया जा सकता बहुत जल्दी ही करवाएंगे इसको, बहुत जल्दी ये हम यहाँ के नहीं, वैसे तो कोशिश करी गई है कि जन औषधि केंद्र से सारी दवाएं चूँकि जेनरिक हैं और जन उससे प्रधानमंत्री जन आरोग्य जन औषधि योजना से ही आते हैं, तो जितना भी उनके ईडीएल में होगा सब अवेलेबल होनी चाहिए। मैं देखता हूँ क्या स्पेशलिस्ट जानना चाह रहे हैं, एनेस्थेटिस्ट हैं और एनेस्थेटिस्ट की बहुत कमी है, फैमिली प्लानिंग काम थे फर्स्ट रेफरल देखते हैं अगर उनके पास रेजेंट नहीं उनके देखे पीओ सिटी में हमने कोई कर्मचारी नहीं दे रखा, पीओ सिटी के उनके खुद के अपने एंटीज हैं वही लोग कर रहे हैं, और बजट की शॉर्टेज है, बजट जल्दी इसी महीने में मेरे ख्याल से अल्ट्रासाउंड की भी व्यवस्था है बड़ी ये रेडियोलॉजिस्ट पे डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ रेडियोलॉजिस्ट की बहुत कमी है, एनेस्थेटिस्ट की बहुत कमी, वही मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ डॉक्टरों की खास करके जो स्पेशलिस्ट हैं इनकी कमी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब देखते हैं इसमें जो अभी नए डॉक्टर आ रहे हैं तो यहाँ पे हम रेडियोलॉजिस्ट और एनेस्थेटिस्ट या EMO जो भी हैं यहाँ पे सिटी स्कैन 8 अगस्त 2017 से भी 8 अगस्त 2017 से सिटी स्कैन की व्यवस्था यहाँ पे समाप्त हो गई सर, और बाजार से सिटी स्कैन कराया जा रहा, इससे मरीजों का भी दोहन हो रहा। अच्छा अच्छा, मैं अभी इसकी जानकारी मुझे अभी मिल रही, मैं देखता हूँ इसको सिटी स्कैन की ओर। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट, अयोध्या। खड़ौक तहसील अंतर्गत खीरी थाना के क्षेत्र नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खीरी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुराओं के अधीक्षक डॉक्टर बीके सिंह के द्वारा कोरोना वायरस से संबंधित मुद्दे जो आजकल सामाजिक स्तर पर फैलाए जा रहे हैं पर जानकारी दी गई कि हमारी भारत सरकार कोरोना वायरस से फैल रही बीमारी के लिए अत्यंत संवेदनशील है। इसके साथ ही भारत सरकार के द्वारा कोरोना वायरस से फैल रही बीमारी की वर्तमान स्थितियों से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयारी भी की जा रही है। पूरे देश में रेडियो टेलीविजन एवं सोशल मीडिया के माध्यम से इसके बचाव के बारे में संदेश दिए जा रहे, साथ ही प्रत्येक ब्लॉक एवं जिले में CHC PHC एवं जिला अस्पताल स्तर पर इसके बचाव प्रचार प्रसार एवं इलाज हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। जिस भी व्यक्ति में इस तरह के लक्षण देखे जा रहे थे उनकी तत्काल स्क्रीनिंग की जा रही थी। इसके साथ ही कोरोना वायरस को फैलने से रोकथाम के कुछ उपाय के बारे में भी बताया गया। कहा गया कि जब भी किसी व्यक्ति को खांसते या छींकते हुए देखें तो तुरंत अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें, हाथों को लगातार डिटॉल व साबुन से धोएं, अपनी नाक आँख कान और मुंह को बार बार ना छुएं। यदि किसी को खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो उसे थोड़ी दूरी भी बनाकर रखें। इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं या हेल्पलाइन नंबर 0112397804 पर संपर्क करें। यह कौन सा कार्यक्रम चल रहा है? ये प्रत्येक रविवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेला लगाया जा रहा है, जिसमें कि हमारे हर PHC पर जहां डॉक्टर नहीं है वहां से डॉक्टर को भेज करके वहां हर मरीजों को देख करके इसकी जो आवश्यकता है उस हिसाब से जांच भी किया जा रहा, ब्लड की, शुगर की और टीवी से बलगम की जांच की जाती है टीवी से बचाव के लिए। अगर ऐसे मरीज कोई आता है तो उसको खोज करके और ये कुछ हायर सेंटर पर रेफर करके उनके इलाज कराने के लिए प्रयास किया जा रहा है। आज महिला दिवस भी मनाया जा रहा है, तो प्रत्येक मेले जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ पर महिलाओं द्वारा मेले को उद्घाटन करके किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए जागरूक किया जा रहा है, बताया जा रहा है ताकि महिलाएँ आगे आए, और जो भी हम लोगों का स्वास्थ्य विभाग का कार्यक्रम है टीकाकरण महिलाओं की जांच और तमाम जांचें हैं जिसमें कि हमारे मैक्सिमम एनम आंगनबाड़ी और आशा ये महिलाएं ही रहती हैं। मैं डॉक्टर केवी सिंह अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए साहब लाल कुशवाहा की रिपोर्ट, प्रयागराज।
जनपद बाराबंकी के तहसील सिरौली गौतपुर क्षेत्र के ग्राम बोधीपुर पूर्वा मजरे कितरापुर में कई घरों में शौचालय व आवास अभी तक प्राप्त। इसमें बताते चले कि काफी दिनों से लोग आवास व शौचालय से वंचित हैं, तो वहीं प्रधान के द्वारा कोई भी किसी भी तरह की सरकारी योजनाओं का लाभ इन ग्रामीणों को अभी भी नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर ना ही राशन की उचित व्यवस्था की जा रही है, जिससे शौचालय व आवास की उचित व्यवस्था है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। तो वहीं बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान देखने आते हैं लेकिन देखकर वापस चले जाते हैं। अगर कोई अधिकारी आता है तो उसको समझा बुझा कर वापस भेज दिया जाता है और प्रधान कहते हैं कि यहाँ के लोग पात्र नहीं है। तो वहीं कुछ लोग परदीन पुत्र रामदीन गुरुदीन सियाराम नंदू प्रेमा सहित कई ग्रामीण शौचालय से अभी भी वंचित बताए जा रहे हैं। क्या समस्या है आपको? लेटरिन नहीं है, आवास नहीं है। कहाँ पर रहते हैं आप? गांव का नाम बोधीपुरा है। आपके प्रधान कौन है? वही का नाम काशीराम। तो आपको आवास नहीं मिला? शौचालय कुछ नहीं। शौच करने कहाँ जाते हैं? खेत में। खेत में जाते। और कोई समस्या आपकी? और का आवास नहीं, सब टूनी घर में पानी भरा रहा, सब कपड़ा का नाना लड़का बैठ रहा, पानी गिरा था। कब से आपको आवास नहीं मिला? 20 साल। इसकी कंप्लेन आप की थी? 3 करीब। 3 बार की? हाँ, 3 बार। किसके पास? वीडियो साहब। क्या बताया उन्होंने? यही जो उन बता रहे हैं यही बता रहे हैं। विधायक साहब से कहा। विधायक जी क्या बताए? मिल जाएगी। क्या नाम है आपका? पुष्पा। किस ग्राम में रहती हैं आप? क्या समस्या है? अरे समस्या काम सया सया लड़का बिटिया है, सब जा खेते कहीं है टट्टी पे साफ सब। तो शौचालय नहीं मिला? हाँ, शौचालय हमको नहीं मिले। प्रधान से शिकायत की? प्रधान आधार कार्ड लाइए, सब कुछ लाइए, नहीं है तो फिर क्या करिए? क्या बोल रहे थे प्रधान? प्रधान लोग के जवाब ही नहीं दी। कौन है? आधार कार्ड वापस। कौन है प्रधान यहाँ? फोन मत्ती के तरह काशीराम। शौच के लिए कहाँ जाती है? खेत बात तक जाए तो कहाँ जाए? खेत में जाते। परिदिन। किस ग्राम में रहते हैं आप? गिदरा। क्या समस्या है आपकी? आपकी वो लाइटरिंग भी रही, बालू की भी जोड़ दिया था, उसी टूट गई। और 25 साल भाई अलग हैं, मतलब घर देख लीजिए, उसमें रह रहे हैं लड़के बच्चे से, तो कोई भी समस्या नहीं हल हुई। इसकी इसकी शिकायत किससे किससे की है? प्रधान से भी किया, 3 पंचवर्ष बीत गई और सबसे कहा नहीं मिल पाई। तो ये क्या प्रॉब्लम का हम? कितने दिन से आप इस घर में रहते हैं? 25 साल हो गई अलग हुए। शौच के लिए आप कहाँ जाते हैं? खेत में। लैटरिंग वेटरिंग बनी है? लैटरिंग बनी रही, बालू की भी टूट गई, तो मतलब खेत में जावा जाता है, अभी बनवाई ना है 2-3-4 महीना भाई। उसकी मरम्मत प्रधान जी नहीं कराए? हाँ, कहे रान के मतलब बालू की जोड़ दिया, टूट गए है तो जोड़वा दियो। क्या बहन हो जाई, तब से कोई सुनवाई नहीं है। कितने दिन हुआ वो मतलब उनसे आप बात किए थे? हो गई 1 महीना भाई। अभी तक नहीं कोई हुआ है नहीं। कितने बच्चे हैं आपके? 2, एक लड़का एक लड़की। क्या नाम है आपका? प्रेमा। किस ग्राम में रहते हैं आप? गिदरापुर। क्या समस्या है आपको? अरे हमारे लेटरिंग नहीं है, हमका राशन नहीं मिलत है, और कारट रहा कटिगा, हमका गल्ला अब नहीं मिलत है। जो जो कारट आपका है उस पर आपको गल्ला नहीं मिलता है? नहीं मिला था, हमारा कटिगा कहा तुम्हार ऊपर नाम ही नहीं है रसीद बिन पर। पेंशन मिलता है? पेंशन तो मिला था। कितना मिलता है? पेंशन मिला रही, पहले मिला रही है 1800, तैके मिला रही है, अब जनो मिला था 1500 3 महीना में। कैसे पैसा मिलता है? कैसे मिला था? क्या नाम है आपका? महादेव। किस ग्राम में रहती हैं? गिदरापुर। क्या समस्या है आपकी? हमारे तो कुछ नहीं है साहब, ना लाइटरिंग ना पैटरिंग कुछ नहीं है, ना हम कोनो और जना पाई, ना पेंशन मिला है, पेंशनो नहीं पाई थे, कुछ नहीं मिला, ना कॉलोनी है, ना कॉलोनी है। आपके बच्चे हैं? लड़की है, लड़का नहीं। हाँ, बताओ मैं बोल लो, हमारे बिटिया हैं। कितने दिनों से आप यहाँ रह रही? 20 साल से कम नहीं है।
और आपको लैट्रिन वगैरह कुछ मिला? कुछ नहीं। आवास? कुछ नहीं। इसके लिए किसी से शिकायत की आप? किसे शिकायत? इतने मन ही जानता है किसे शिकायत करी को हमारे यहाँ पछधारी बैठे तो किसे प्रधान आपका घर देखने नहीं आते? हाँ हाँ। कभी नहीं आते? कब नहीं रहे हैं देखो उनका क्या कहते हैं भैया वही एकदम अबो भैया रहा जब प्रधान ही पर रहे थे अब से क्या नाम है आपका? शालिग्राम नाम। किस ग्राम में रहते हैं आप? गिदरापुर मौजा है नागत। प्रधान का क्या नाम है आपके? फूलमता नाम। क्या समस्या है आपकी? समस्या साहब ढर्रा नदी होती तो हम ढर्रा ना पाते निकलेगा दूसरा आदमी ढर्रा दी तो ढर्रा और फिर भी कॉलोनी एक नहीं हमारे पास है। कॉलोनी नहीं है? एक कॉलोनी जगजीवन प्रधान देंगे ना बाकी वहाँ हो गए। पेंशन मिलता है? पेंशन कुछ नहीं कहीं और दो साल बाढ़ होता दे बाढ़ अब छोड़ हम कहा घर जाए वाले की बाढ़ ही तो कितनी उम्र है अब उम्र सामने साल कहन की तो 5 साल और है? किसने बोला था? शालिग्राम बोली नहीं किसने बोला था कि और इन्हें चौधरी प्रधान प्रधान फूलमता उनके मर्द आए ना। क्या समस्या है आपकी? हम लाठी नहीं पाए उन्होंने कॉलोनी में आए। कब से आपको लाइटिंग नहीं मिली? लाइटिंग पर ज़्यादा नहीं मिली। सोच करने कहाँ जाते हैं आप? खेत का। किसी से शिकायत की? शिकायत प्रधान से कहा तो प्रधान नहीं बनवाई। क्या नाम है आपके प्रधान का? फूलमता। किस ग्राम में रहते हैं आप? गिदरापुर। आपका क्या नाम है? नंदू। क्या समस्या है आपकी? लेटरिंग नहीं साहब। कब से नहीं है? अरे हो गए 25-30 साल हो गए साहब। किसी से शिकायत किए थे आप? अरे 50 बार प्रधान से कहा आधार कार्ड लेके गए फिर वापस लौटा दिए ना वो कहाँ से बन जाए कब बन जाए मर जाए तब बन जाए साहब। सोच के लिए कहाँ जाते हैं? सड़क पर जाते हैं साहब खेत में जाते हैं। आपका क्या नाम है? राधे नाम। क्या समस्या है आपकी? श्याम नाम। क्या समस्या है? हम हार का जाए थे तलाए टट्टी हमारे शौचालय नहीं। प्रधान जी से बोले आप? हाँ प्रधान जी से कही दें कहें तो कहें बन जाए तुम्हारी। कब बन जाएगी? तो बाबू तब बनवा मैं काम मर जाब तो बनवा। आपका क्या नाम? अरविंद कुमार सर। क्या समस्या है? सर ना लेटरिन है ना आवास है 15-20 साल से शौच करने के लिए बाहर जाता हूँ और ना तो राशन कार्ड मिल रहा है। किस ग्राम में रहते हैं आप? गिदरापुर। प्रधान का आपका क्या नाम? प्रधान काशीराम। और कहीं पे आप शिकायत की? शिकायत प्रधान से तो किया था तो कहें कि अगली बार में आ जाएगी लाइटरिंग आवाज़ भी आ जाएगी अभी तक कोई सूचना नहीं। क्या नाम है आपका? जगन्नाथ। क्या समस्या है आपकी? कुछ बना नहीं लाठरिंग पार्टी में कुछ नहीं मिला। पेंशन मिलता है आपको? पेंशन तो मिला। मिलता है? कितना मिलता है? 3,000। तो आपके पास लाइटिंग कब से नहीं है? बनवाई नहीं है कहाँ? बनवाई नहीं है। इसकी शिकायत की है किसी से? प्रधान नाम लेंगे मिलवाई नहीं है। आपका क्या नाम? शिव कुमार। क्या समस्या है आपकी? अरे हम ना लेटरिंग मिली ना आवास मिली कुछ नहीं मिल रहा। इसकी शिकायत की है आपकी? शिकायत बताए रहा। शौच करने के लिए कहाँ जाते हैं? शौच करने के लिए कहाँ जाते हैं? बाहर जाते हैं। आप कहाँ जाते हैं? हम बहुत बाहर जाते हैं। मोदी आएंगे भैया फोटो लग गई जाए। ये नल कब से बिगड़ा? हमका लगा 3 साल। पानी कहाँ से लाने जाते हैं? पानी बाहर बगल वैसे यहाँ ला लावा जाते। कितना दूर से? द्वारे लावा जाते। चला थी मैं पानी ही तो नहीं दिया। प्रधान का क्या नाम है?
प्रधान काशीराम भक्त। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए राजकुमार की रिपोर्ट, सिरौली गौसपुर बाराबंकी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज न्यू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लोहंदी कला पर महिला शक्ति केंद्र योजना अंतर्गत स्वच्छता पखवाड़ा के तहत महिला कल्याण विभाग एवं बाल परियोजना विभाग के द्वारा सम्मिलित रूप से भव्य कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी महोदय, साथ ही मंच पर अपर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी व जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं ग्राम प्रधान आदि उपस्थित रहे। इसके साथ ही महिला कल्याण अधिकारी के द्वारा मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया। साथ ही जिलाधिकारी महोदय ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। वहीं कार्यक्रम के उद्बोधन में जिलाधिकारी महोदय ने सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी तथा उपस्थित लोगों को स्वच्छता एवं बच्चे एवं महिलाओं की सुरक्षा के प्रति जागरूक होने का आह्वान किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान महिला कल्याण विभाग एवं बाल विकास परियोजना के विभाग, स्वास्थ्य विभाग के कैंप का आयोजन किया गया। साथ ही जिलाधिकारी महोदय, विकास अधिकारी महोदय द्वारा कैंप का निरीक्षण किया गया तथा किशोरियों को सैनिटरी पैड भी वितरित किए गए। तो वहीं महिला कल्याण विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए गए। इस अवसर पर महिला कल्याण विभाग, बाल विकास परियोजना विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ग्राम प्रधान, आशा, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर एवं भारी मात्रा में ग्रामीण उपस्थित रहे। संवेदनशील है होलिका दहन से लेकर सकुशल मनाने के लिए कितनी फोर्स लगाई गई, क्या व्यवस्था? होली के त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन द्वारा जन संपर्क और जन संवाद कायम किया गया है। और जो संवेदनशील होलिका स्थल है, आबादी है, ऐसे करीब 38 होलिका स्थल है, लेकिन हमने जो 2250 होलिका स्थल है सबकी सुरक्षा कमेटी बना रखा है। रिक्रूट, BAC, रिजर्व और QRT बना करके हर जगह डिप्लॉयमेंट किया गया है। सभी थानों को निगरानी किया गया है। फुट पेट्रोलिंग पैदल मार्च से लोगों से संपर्क और समन्वय स्थापित किया गया है। इस कमेटी की मीटिंग सभी समुदाय के लोगों से, सभासद, वार्ड और जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, वो लोग भी होली के दिन अपना डिप्लॉयमेंट अपने सहयोगियों के साथ प्रमुख चौराहों पर आएंगे। शराब के बंदे को साहब ने आदेश कर रखा है कि पर्टिकुलर पॉइंट पर फ्री राइडर जो गुब्बारे फेंकने वाले और ड्रोन कैमरे से भी छतों की छत एक दो जगह पत्थर और बोरियों में रखा हुआ मिला, उसके खिलाफ में कार्रवाई पर हटवाने के साथ साथ ऐसे मकान मालिकों के खिलाफ भी मैं कार्रवाई कर रहा हूँ जो अपने छतों पर संदिग्ध अवस्था में पत्थर फेंकने सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के लिए हमारी टीम सोशल मीडिया से लेकर बना हुआ है, टीम कंट्रोल रूम बना हुआ है, इसके लिए हमारी टीम अलग से है। संवेदनशील अति संवेदनशील क्षेत्रों को भी चिन्हित किया गया है जहाँ पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। जो मिश्रित आबादी है परंपरागत रूप से उस पर तो हमारा डिप्लॉयमेंट है 38 होलिका स्थल, लेकिन इस त्यौहार में तमाम ऐसे जगह जहाँ पर जो लोग किसी भी समुदाय को होली नहीं मनाना चाहते, चाहे कम की वजह से, चाहे एलर्जी की वजह से, चाहे जैसे, ऐसे सभी स्थल हमारे क्षेत्र में है और उस पर विशेष रूप से हमारे टीम लगी है। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए संतोष दुबे की रिपोर्ट, मिर्जापुर। अयोध्या में विश्व महिला दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। विश्व महिला दिवस पर विधानसभा रुदौली क्षेत्र के ग्राम सभा मटौली में दिव्यांग सभा नेता पंडित समरजीत ने दलित महिलाओं के बीच गोष्ठी का आयोजन किया तथा पंडित समरजीत ने कहा, आज पुरुषों के बराबर हर क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता बराबर की है, किंतु आज महिलाओं को कई तरीकों से प्रताड़ित किया जाता है, जबकि अर्धांगिनी तथा घर की लक्ष्मी होती है। घर से लेकर बाहर तक की सभी जिम्मेदारियां बखूबी निभाया करती है। जिस घर में लक्ष्मी की पूजा तथा महिलाओं की इज्जत नहीं होती, वह घर शमशान के बराबर होता है। वही महिलाओं से ही देश तथा समाज का निर्माण भी संभव है। गोष्ठी में मिष्ठान वितरण करके समापन किया गया। वही कार्यक्रम में फूलकदा, यशोदा देवी, संतोष कुमारी, पुष्पा देवी, राजकुमारी, शांति देवी, सुकराती आदि लोग उपस्थित रहे। विश्व महिला दिवस पर आज अयोध्या जनपद के रुदौली विधानसभा क्षेत्र के रजापुर ग्राम सभा में आज दलित महिलाओं के बीच एक गोष्ठी का आयोजन किया गया तथा हमने कहा कि आज सृष्टि का विकास संभव है महिलाओं की वजह से। आज हमारी महिलाएं न होती तो आज सृष्टि का संचालन न होता। आज हम यही कहना चाहते हैं कि आज हमारी नारियां पूजनीय हैं और उनके साथ जो अत्याचार समाज में हो रहा है, जगह जगह हो रहा है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ।
तथा समाज से अपील करता हूँ कि हमारी माताओं बहनों बेटियों का समाज के लोग सम्मान करना सीख ले, और जिस दिन यही बहन बेटियाँ धरती पर नहीं रही उस दिन यह सारी सृष्टि वीरान होके जल जाएगी। दिव्यांग सपा नेता टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट, अयोध्या।